भाई आप सर्दी आ टेढ़े क्यों हैं? भाई, आप टेढ़े हैं अच्छा मैं टेढ़ा हूँ भाई, आप भाई? बचपन से टेढ़े हैं सारी उम्र से मुझे लोग कह रहे हैं तुम टेढ़े हो, तुम टेढ़े हो। मैं भाई, ये आपने हाँ आप सीधे हो रहे हैं आप किधर सर बैठे जी, ये जगह सर, यही वही जगह टेम्पल ऑफ द डॉग, टेम्पल वही जगह, आपको याद हो कि ना याद हो, ऑफ आपको याद हो कि ना याद हो कुत्तों का मंदिर, टेम्पल ऑफ द डॉग जो था एक बहुत बड़ा बैंड था, एक ही एल्बम बनाई थी उन्होंने और उसमें पर्ल जैम सर जी, के मेंबर थे। आपने तो बड़ी एल्बम्स बनाई हैं, काफी एल्बम्स कराची रखी हैं, काफी लाहौर रखी हैं, काफी इस्लामाबाद रखी हैं, जी लड़कियां अब मैं लिख रही सिर्फ है बम अली अज, बनाता हूँ, अली अली अजमत, लव 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 पहले मैं एल्बम बनाता था, अब मैं सिर्फ बम बनाता हूँ। लेकिन वो फटते भी है या जाया हो जाते हैं, बहुत सारे बम होते हैं ना और फटने से पहले ही जाया हो जाते बम हैं चलाने वाले नहीं होते, ये हलवे में डालने होते हैं। अच्छा ये जो आप कराची में एल्बम्स, कहते वो एक मौलवी साहब मिले ना, तो उन्होंने कहा जी मेरा कजन था, उनको कोई दोस्त मिले तो वो कहते भाईजान आप दम दरूद करते हैं, मैंने कहा नहीं ये बम बारूद करते हैं, ये नहीं है ठीक। दूसरा वाला नहीं वो नया आया मेरा, वो दूसरे हार्ड केस में। अच्छा ये बताएं कि जो मैं आपको फिर दोबारा वही सिंपल सा सवाल पूछूंगा बिल्कुल आराम से, कि भाई वो जो आप कराची में एल्बम छोड़ के गए थे, जो आपकी इस्लामाबाद में एल्बम्स हैं, वो सब आपने यकजहती के साथ पोएट कब कर रहे हैं उनको जला दो सर, सर, जाया क्यों कर रहे हैं जाया कर देना बेहतर है, अल्लाह की राह जला दें उनको जला दे। जिस तरह मोहम्मद बिन कासिम ने किश्तियां जलाई थी ना, कि बेटा वापस नहीं आप जा सकते, इसलिए जला देना चाहिए सब मामला। तो आपने जला दी अभी तक, कंफर्म है ये बात? जी, जला दी जला दी जला दी, अच्छा, खेतों में भी आपने और खलिहानों में भी आग लगा दी। लगा दिया। अच्छा अली यार, बहुत सारी ये सिर्फ कैजुअल सेशन है और सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि यार स्टार्ट कहाँ से, अली शुरू से ही रॉक स्टार पैदा हुआ था, कोई कॉलेज क्या हो गया, गिर गया फोन लगता है भाई आपने बात ही ऐसी नहीं ये पैदा ही, आप पैदा ही रॉक स्टार हुए थे या शुरू में, कैसा स्टार्ट क्या था यार, की अली का स्टार्ट कॉलेज में क्या था? सुना है कुछ बदमाशी भी करते थे थोड़ी बहुत, कुछ कोई नहीं, ज्यादा नहीं बता कोई। दें क्या था स्टार्ट, क्या था? सोने का चमचा लेके पैदा हुए थे यार नहीं, सोने का जैसा लक्कड़ की डोई लेके पैदा हुए हैं। लक्कड़ की पुराने जमाने में गांव में होती थी। कोई नहीं, अच्छा मामा नहीं ऐसा कहते हैं वो हाइपर एक्टिव जैसे सारे बच्चे होते हैं यार, हम कोई अकेले नहीं थे, हमारे इर्द गिर्द थे तो कोई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने खतल मथल भी कर दिए, और हम बस टांगों शांगों में फायर वायर मारते थे उस जमाने में, नहीं तो भाई इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि किसी के ऊपर चला दें गोली, पर ये इधर उधर आस पास ठाठू दहशत गर्दी। पर वही ये बात है, वो स्कूल में तो एक जो पहली मेजर लड़ाई थी स्कूल में था, तो वो कोई आया पीछे से, उसने आके वो क्लिप बोर्ड नहीं होता था जिसपे पर्चा करते थे, इम्तिहान होता था, क्लिप बोर्ड नहीं जाते, उसे क्लिप बोर्ड मारा मेरे नाक पे, तोड़ दिया नाक मेरा, ये टूटा आज तक टेढ़ा। उसकी देख रहे हैं आप, क्लिपबोर्ड की वजह से टेढ़ा हुआ है या किसी और वजह से कैसा टेढ़ा बुरा हुआ? मारा उसने, नाक तोड़ा है ओह शिट, आज तक नहीं हाँ जी रहा उसका। फिर बाद में फिर मुझे आपने किसी ने उसका कहा कि आप कुत्ते की दुम को अगर आप 25 साल भी पाइप में डाल के रखेंगे, बाहर निकालेंगे तो वो फिर भी मुड़ी होगी। फिर मैंने कहा ये नाक को क्या मैं करूं, इसी पर मैंने तो कभी छेड़ा अच्छा, नहीं। आपने नाक को पाइप से ज्यादा वो किया सर, इस्तेमाल किया भाई चक्कर ये है कि वो बस जवानी में कुछ इंसान से गलतियां हो जाती हैं, फिर वो बाकी जो अपनी एडल्ट लाइफ है, जैसे आप और मैं हैं, वो अपनी एडल्ट लाइफ, वो नाम हमारे साथ चिपक गया, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी जाते हैं वो हमें यही समझते हैं कि यार ये कोई गैंगस्टर टाइप की शिट करने आए हैं यहाँ पे, कोई किसी मार कुटाई करेंगे, तो पता नहीं जवानी में थोड़ा हो गई गलतियां कभी मार कुटाई वाली, उसके बाद तो हमसे ज्यादा कोई शरीफ इंसान है ही नहीं।
बिल्कुल सर, ये तो आपने और मैंने डेवलप कर लिया है पाकिस्तान में रह के, हमने बता भी दिया है। बल्कि हमारी जो जी अगर आप आर्ट काउंसिल और जितनी भी जगहों पे जाएंगे, आपको हमारे नाम की तख्ती मिलेगी शरीफों में, आपकी तो खास तौर पे मिलेगी। बहुत सारे लोग तो मेरे हाथ पे बैत भी कर गए आके ना, बैक करें बैत कर गए, बैत बैक, अच्छा मैं समझा बैक करें। बैक नहीं करके बैत। तुम्हें उर्दू की चीजें ज्यादा पता नहीं, लगता नहीं कि तुम दिल्ली वाले हो, प्योर दिल्ली बातें वाले। तुम्हारी जो है पंजाबियों वाली हैं। मैंने कजन को बोला है बैत करके, कह रहे हैं बैठ करके। हाँ मैंने कहा वो पहले बैठ करके चले गए। अली अजमत कहाँ से शुरू हुआ सर, ये तो बताए ना, आप पकड़ा ही नहीं रहे, सिरा इधर उधर ले जा रहे हैं। कैसे शुरू हुआ, पहला दिन क्या था, कहाँ से शुरू हुआ? बस यार ऐसे ही घूमते फिरते रहते थे, आवारा घर थे, म्यूजिक का शौक तो था, लेकिन पाकिस्तान में तो 1980s में, 86 87 में, मैं 87 में आई वाज 17 years old, हाइपर एक्टिव, कॉलेज में भी आपको पता है ज्यादातर तो कैंटीन्स के बाहर ही बैठा रहते थे, और तो बस यही था कि वो टाइम गुजारने के लिए कुछ होना चाहिए, तो म्यूजिक में चले गए थोड़ा सा। यहाँ पे भी कोई बैंड्स नहीं थे इतने खास, जो थे वो आपको वो कहते थे यार बर्गर बॉय होना चाहिए, हम बल्कि हम मीडियम जरा मीडियम, हम मीडियम बर्गर थे, फुल बर्गर नहीं थे, बर्गर नहीं, ये बन मीडियम कबाब बर्गर और थे बर्गर के दरमियान के थे आप, वो हम थे ठीक हो ना जाएंगे। गरीब बर्गर बच्चे, यानी के पैसा वैसा तो नहीं था, लेकिन सारा दुनिया का पता था कि क्या हो रहा है इधर, कौन सा गाना आजकल हिट है, और कौन से कपड़े, और कौन सा ये वो, जो कि ज्यादा मुश्किल चीज है। फिर आप वो चीजें वो जवानी में, फिर वो आप चीजें पूरे करते करते जो है आपकी वार्ड लग जाती है, तो ठीक है वो फिर, हमने बस फिर किया। केरी शेख। फिर हम चले गए अपना ऑस्ट्रेलिया, चला गया ऑस्ट्रेलिया, चला गए अपना 1988 के एंड पे, और अच्छा, यार तो 1988 मेरे के मेरे एंड पे पैदा चले होने से गए। पहले से हाँ ट्रैवल कर रहे हो नहीं पैदा तो मैं 70 में ही हो नहीं, गया मेरे पैदा होने से था। पहले, मेरे पैदा होने से हाँ तुम्हारे पैदा पहले। हुए तुम तो बहुत छोटे हो, सारी बात है जब मैं 88 89 में, तब तुम छिले में थे। नहीं मेरा तो अभी तक पता नहीं चला कि मेरे 5.5 फुट से हाइट ही नहीं बढ़ रही, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं वो तो बुढ़ा ही देखा नहीं, सही था नेपोलियन जवान आर्ट, भी तुझे जवान भी हुआ या नहीं क्यों हुआ। लगता है कि मैंने, तुझे क्यों लगता है कि मैंने ट्रेंड क्यों की? मैंने कहा पता ही नहीं चले कि बंदे की एज क्या है, वो तो खैर आप दुनिया को पता चल गया, मैं 50 साल का हो गया हूँ। प्रिटी गुड फॉर 50 year old, हाँ थोड़ा सा हाँ, पोस्टर नहीं नहीं डाउन, लेकिन मैं काम चल रहा है अभी, नहीं नहीं भाई, फ्रेशनेस देखनी है ये कोफ्ते भाई, चल रहे फ्रेशनेस हैं। चेक करना, हाँ भाई, फ्रेश फ्रेशनेस ताजा करना। ताजा शेप बनाया लगता है। नहीं भाई मशीन मारी, मशीन मारी है? कौन सी लेजर नहीं मशीन मिल रहा मारी? था भाई, लेजर नहीं मिल रहा। वाली मशीन आपने तो नहीं कभी यूज की होगी, सारी बात सही बात है। शर्ट कहाँ आपको अब से ली? गाड़ी। ये कौन से ये डिजाइनर की डिजाइनर शर्ट है? आप शर्ट बता दें कौन से डिजाइनर की है। तो आपको होता है भाई, जो है वो फिर जारा वारा से बक्सार। नीचे कुछ पहनते, सर जारा वारा से तो नीचे कुछ आपका भाई पहनते ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया से वापस आ जाए सर, ऑस्ट्रेलिया गए वहां क्या हुआ, हाँ शादी की ऑस्ट्रेलिया आपने? गया, वहां पे सोच के गया था कि कुछ पैसे थे बैंड से कमाए हुए थे, और सोचा था कि वहां पे पढ़ लूंगा, और एक दो सेमेस्टर कर सका। तीसरे सेमेस्टर पे हवा निकल गई, घर वालों ने भी कुछ पैसे ना भेजे, तो मेरे चचा थे वो हयात थे, उन्होंने मुझे कहा यार ये $1,000 पकड़, फीस के से पैसे नहीं मेरे को, $1,000 ले थे वापस आ जा। वापस आ जाए। मैं कहा चल ठीक है वापस आ जाते हैं। तो कॉलेज वालों के भी काफी फीस देनी थी, मैंने कहा चल छोड़ अब, इससे पहले कि लंबा झटका पड़ जाए। आप ऑब्वियसली 89, मैं 89 के एंड में वापस आया हूँ, तो 19 साल का था, तो ये क्या झमेलों में पड़ गया हूँ पैसे कमाने हैं। तो फिर वापस आया, मैंने कहा बजाना म्यूजिक ही है, तो बस फिर म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया, और फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह ना 1990 में, अच्छा साले बहुत आ गए, 1990 में, नाइनटी फुल टाइम एंटरटेनमेंट भी हाँ है साथ सर। हाँ तो पता आजकल मच्छरों के साथ भी गेम चलती रहती है, तो 1990 में हमने जुनून बनाया, 1991 में एल्बम हमारी कंप्लीट हुई, और फिर बस उसके बाद फिर चलते रहे और यहाँ तक पहुंच गए भाई, 31 years गुजर गए, 31 years।
सॉरी, शाहरुख 32 years in म्यूजिक बिजनेस, 32 years. खान, शाहरुख खान से ज्यादा हो गए, शाहरुख खान को 30 साल हुए हैं तो आपको 32 हो देख लो भाई, दो एक दो साल हमेशा आगे ही होता है लोगों से. अच्छा तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में शादी की फिर वापस आ गए आप वो ऑस्ट्रेलिया में एक नहीं चार की थी शादियां, क्योंकि नया नया मुसलमान हुआ था, इजाजत थी. मैंने कहा बताओ शादियां तो निकल आओ. नहीं तो अब जब आप वापस गए थे ऑस्ट्रेलिया लास्ट टाइम, तो उन्होंने फीस मांगी अपनी या नहीं मांगी? हाँ, ओह मैं कॉलेज गया, कॉलेज गया, उन्होंने मेरा रिकॉर्ड निकाला और फिर उन्होंने मेरा रिकॉर्ड लगाया. दिल से मैं गीता के, मैं जी नए आ गए थे ना लोग, दिल से मेरा गीता के मैं जी करते हैं, लेकिन फिर मेरा हादसा निकल अच्छा गया. वैसे ही तो होंगी दोस्त. फिर अली, मैंने मैंने देखा है कि एक जमाना था कि लोग बैंड्स को समझते नहीं थे, और एक जमाना मैंने देखा है लोग पागलों की तरह आपको, लाइक यू नो, मैंने पागल होते हुए देखा है लोगों को, और एक जमाना था कि आप स्टेज पे आए थे, एक जिम खाना का एक कॉन्सर्ट था कहीं का, और आप पाए और आके वापस निकल गए, लेट आने की आपकी आदत थी, फिर आप रास्ते में गए, जब आप वापस पोर्ट कासिम से जा रहे थे तो आपने मोटरसाइकिल में लोग आपके पीछे पड़ गए, वो क्या वाकया है? पोर्ट कासिम पे नहीं था वो ड्रीमलैंड रिजोर्ट पे एक शो था. उन्होंने कहा अच्छा कि ऑर्गेनाइजर्स कह रहे हैं कि अली असमत अगर अपनी मोटरसाइकिल स्टेज पे ले आए. मैंने कहा अरे फर्स्ट चांस टू बिकम सलमान खान, अपन जरूर करेगा, सलमान खान टारगेट बन के रहेगा. वो पहली तो बात थी कि 25 फुट का स्टेज था और उन्होंने एक पुल सरात बनाया हुआ था, उस पर एक छोटा सा फट्टा बनाया था. उन्होंने कहा इसी पे आप चढ़ा. मैंने कहा भाई इस पे नहीं जा सकती. खैर वो भाई उस जमाने में थोड़ा सा मीटर होता था, तो भाई ने चला दी, चढ़ा दी उसके ऊपर मोटरसाइकिल. और फिर वो जब शो खत्म हुआ तो वी वर द लास्ट एक्ट, तो अवाम थी कुछ 40-45 हजार वहां पे, और वो 20-25 हजार गाड़ी मोटरसाइकिल थी, वो जा रहे थे वापस अब शहर की तरफ. मैंने सोचा यार रात के 1:30-2 बज रहे हैं, अगर मैं इनके जाने का वेट करता रहा तो सुबह हो जाएगी, तो मैं पहले निकल जाता हूँ इनसे. तो मैंने जल्दी में मोटरसाइकिल उतारी नीचे, और ऑर्गेनाइजर मुझे कहते रहे नहीं नहीं अली भाई आप. मैंने कहा मैं तो बाइक पे यूं जाऊंगा और यूं निकल जाऊंगा. वो खैर मैं निकल तो गया वहां पे, लेकिन लोगों ने मुझे स्पॉट कर लिया और कोई 25-30 गाड़ियां मेरे पीछे लग गई. खैर वो बड़ी रेस लगी, बहरहाल जाके वो जो क्या उसको कहते हैं वो स्क्वायर है, अल आसिफ स्क्वायर है, उसके अलासिफ पास स्क्वायर उन्होंने मुझे गाड़ी पे साइड मारी, मैं गिरा मिट्टी में दिया उलटता गिरा गिरा दिया उन्होंने मुझे. फिर थोड़ा सा वो शॉक, एड्रेनलिन पंप कर रहा था, शॉक था. मैंने एड्रेनलिन में ही ना मोटरसाइकिल उठा ली, क्योंकि वो अकेला बंदा नहीं उठा सकता. वो मैंने उठा तो ली बाइक, मुझे चुक पड़ गई. लेकिन अब मैं उन बच्चों के सामने हीरो, हल्का हल्का नहीं आ छोटा सकता, बड़ा नहीं लेना भाई को, भाई भी हल्का फुल्का हीरो है, मैं छोटा कभी मोटा कभी कभी नहीं लिया, कभी नहीं लिया नहीं. अच्छा वो मैंने एक दो को चंबे शंबे लगाए और बाइक उठाई और निकल रहा. वो खैर बाइक वहां से स्टार्ट हो गई मिसिंग करती करती. उसके बाद फिर अल आसिफ स्क्वायर से क्लिफ्टन तक एक चेस सीन है, ये फिल्म के दो बड़े हिस्से हैं. वो एक बताइए। बार उन्होंने मुझे गिरा दिया था, उसके बाद फिर मैं उनके हाथ नहीं आया. काफी लेकिन उन्होंने साइडें मारी और वो काफी चवल और जंगली किस्म के. भाजन टिकट के पैसे मांग रहे थे, क्या प्रॉब्लम था? चाटे मार क्यों रहे? बेसिकली उन्होंने कहा ये अली अजमत है बड़ा चचोरा टाइप का है, देखो इतनी बड़ी मोटरसाइकिल पे, अबे हेवी बाइक पे घूम रही है, पकड़ लो इसको. मैंने कहा तो शेड्यूल तो कट गया। बस भाई आपका चिकता रहा चिकता रहा. अच्छा फिर दूसरा पार्ट क्या हुआ? फिल्म का दूसरा पार्ट बता रहे थे आप, फिल्म का दूसरा पार्ट के पास पहुंच गया मैं घर, फिर छिले हुए कैसे? कपड़ों के साथ और काले क्रैक्ड हेलमेट के साथ बच गया भाई. ये बड़ी बात है कि चोट नहीं कोई लगी. शिट, यानी कि आपकी धुलाई नहीं हुई आप कह रहे हैं? नहीं मैंने धुलाई की यार लोगों की, मैंने हेलमेट से लोग बच्चों को, जो बॉयज थे जो बदतमीजी कर रहे थे, मैंने उनको हेलमेट से टकरे मारी है लिटरली. एक नाक वाक मैंने मतलब कि वाइल्ड टाइम्स है. लेकिन वो तो कर शहर में बाइक चलाने का यही मसला है, किसी को हमने हेलमेट पहनी होती है. अभी मैं पूरा यूरोप घूम के आया हूँ, ऑब्वियसली कोई वहां पे नहीं पहचानता, तो बड़ा मजा आया मोटरसाइकिल चलाने का, 10,000 किलोमीटर.
और 15 मुल्क हर 200, 300, 400 किलोमीटर के बाद जबान चेंज है, आपके खाने चेंज हो रहे हैं, और यूरोप इज अ वेरी एक्साइटिंग प्लेस टू टू गो एंड डिस्कवर ऑल दैट. और वहां पे जो ये शहरों में पहले ना से जाने का मन ये क्या होता है. मिशन हाँ, क्या था, मिशन क्या था ये तुम्हारा यूरोप में जाने का, नॉर्वे जाने का था या डायरेक्ट नॉर्दर्न लाइट्स का था यार या और भी कोई मिशन मिशन? मिशन यही था, मिशन यही था कि बेसिक मिशन यही होता है कि देखो हम लोग रहते हैं बहुत कंफर्ट में, अल्लाह ताला का बहुत माशाल्लाह शुक्र है कि हर तरह की हमें अल्लाह ताला ने नेमत से नवाजा है, आपको भी अल्हम्दुलिल्लाह और माँ बाप का प्यार और बच्चे और ये और नौकर चाकर ये वो सब कुछ, तो इतने ज्यादा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं ना. अच्छा यार उसको बोलो फलाना खाना ले आए, उसको बोलो ये ले आए, हिल के नहीं देना, नवाब हो गए ना. सही बात। तो जब आप अकेले निकलते हैं मोटरसाइकिल पे तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं. मैं अपने पजामा चड्डी जो मैंने ऑल अराउंड पहनी होती है, सर्दियों में ट्रैक सूट का पजामा और गर्मियों में शॉर्ट्स, सो दिस इज तो योर उससे कंफर्ट। निकल के आप पूरा सूट पहनते हैं, जैकेट दस्ताने ये वो हर चीज पहन के, फिर आप हेलमेट और इतने बड़े खोते जितने मोटरसाइकिल पे चढ़ते हैं, फिर उसको हैंडल करते हैं, फिर आप हाईवे पे जाते हैं, तो आप अब अपनी कंफर्ट जोन में से बाहर आ गए. हो सकता है कहीं पे टायर फट जाए, खराब हो जाए, पेट्रोल खत्म हो जाए, बाइक में कचरा आ जाए, रात को बारिश हो गई, तूफान आ गया, बर्फ पड़ रही है, हाथ पैर गीले हैं, कपड़े गीले हैं आपके, और आप अब जाए जा रहे हैं और 8 डिग्रीज वेदर है, बाहर भी ठंड है, कपड़े भी गीले हैं, जुकाम चल रहा है, आप अपने कंफर्ट जोन से हजारों मील दूर बाहर चले गए. वहां पे जाके इंसान को पता चलता है कि वो है क्या चीज, और वो उसके जो इल्यूजन्स हैं वो तो घर पे ही छोड़ आए तो बेहतर है, और वो इल्यूजन्स घर पे ही छोड़ के जाना चाहिए. तो लेकिन ये ये समझ आसान लो होता कि है। इतना से इतने यस आसान काम नहीं, एक नहीं, लेकिन मेंटल मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज. मैंने सुना गाड़ी गाड़ी तो यू नो आप पूरे, मैं यूरोप जाऊँ या कहीं भी जाऊँ रेंट कार करता हूँ कर लेता हूँ, लेकिन मोटरसाइकिल तो हाइट और उस पर राइड करना इज नॉट अ इजी जॉब। आई आई हर्ड कि एक तो मोटरसाइकिल इटसेल्फ इतनी हैवी होती है और हर आदमी हैंडल नहीं कर सकता उसको। हाँ, सबसे बड़ी बात है टेम्परामेंट, मेन चीज तो टेम्परामेंट है ना, टेम्परामेंट चाहिए आपको, इमोशनल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ 4, 5, 6 दिन राइड करने के बाद 600 किलोमीटर, 700, 800, 900 किलोमीटर तक हमने रोज की मोटरसाइकिल चलाई है, यानी कि आप समझ लें कि 14 से 15 घंटे आप बाइक पे बैठे हुए हैं और 900 किलोमीटर आपने कवर करना है या कर लिया है, तो उसके बाद हाथ पैर मुड़ जाते हैं, बॉडी जवाब दे देती है. लेकिन जो मेन चीज होती है वो दिमाग होती है, कि दिमाग इतना बड़ा चैलेंज लेने को अमादा नहीं है कि मैं करूं, लेकिन एक दो जब करने लग जाते हैं तो फिर ये हाल था कि शाम को 700 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाई और बहुत थके हुए हैं, हालात खराब हैं, लेकिन फिर एक पॉइंट पे आके बंदा कहता है यार सुबह उठे और कहे यार क्या करें, चलो यार दोबारा चले. तो लिटरली ये हुआ कि जब 24 दिन मैंने मोटरसाइकिल का ट्रिप था मेरा ये 15 मुल्कों में, और 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद जब मैं पहुंच गया लंदन वापस, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने सुबह उठे कहीं जाना नहीं है. मैं रोज सुबह 7, सवा 7 बजे उठ जाता था और कहता था यार बस जाऊं, मैं मतलब यहाँ क्यों बैठा हूं. तो वो जो कांस्टेंट मूविंग थी वो उसने बड़ा सबक सिखाए, हर रोज हर रात किसी जगह ऐसी जगह पहुंचना है जहां जो पहले कभी देखी नहीं है, जहां की जुबान बोलते नहीं है, कमरा कैसा होगा, नींद सही आएगी, सुबह नाश्ता क्या मिलेगा, कौन कैसी सड़क होगी, क्या दरख्त होंगे, कि रेगिस्तान होगा, कि जंगल होगा, कि हाईवे होगी, कि छोटी सी सड़क होगी, कुछ नहीं पता कि आपने कहाँ पहुंच जाना है रात के अंधेरे में. तो ये एक बड़ा एक्साइटिंग फैक्टर है. बहुत एक्साइटिंग। एंड और दूसरी बात है कि यूरोप को बहुत 50 दफा मैं यूरोप गया हूँ, हेलसिंकी चला गया, ऑस्लो चला गया, पेरिस चला गया, लंदन चला गया, ये मेन सिटीज है, स्पेन बार्सिलोना जो भी, ये जो आपके इटली शिटली रोम शोम सब घूम लिया, जर्मनी बर्लिन, चेक हर रिपब्लिक भी गए वो, चेक रिपब्लिक भी जगह, गए। हर जगह आप गए, लेकिन मेन शहरों में गए, एयरपोर्ट में उतरे, टैक्सी पकड़ी, मेन शहर के स्क्वायर में चले गए, वहां होटल लिया, ढूंढा जी कहाँ पे खाना खाएंगे, रात को पार्टी का करेंगे, ये क्या होगा वो क्या हाँ होगा, बंदोबस्त ये तो अपना बंदोबस्त करने के चक्कर में. तो कभी भी एक्चुअल सेंस में यूरोप या कोई और मुल्क देखा ही नहीं, तो
ये फर्स्ट चांस था कि वी एक्चुअली वेंट थ्रू द फॉरेस्ट लेक्स माउंटेन्स माउंटेन पासेज और एंड ऑफ द वर्ल्ड लैंडमार्क्स. मेरा मतलब कि इट वाज जस्ट आर्कटिक सर्कल सबसे बड़ी चीज थी कि आर्कटिक सर्कल में जाके तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट थी कि मैं अपने घर से 25,000 किलोमीटर दूर आर्कटिक सर्कल में आ गया हूँ. पहली दफा कोई बाइक करके गया, मोटरसाइकिल पे गया है पहली दफा पाकिस्तानी कोई? मैं यहाँ से पहले पाकिस्तान में, पाकिस्तान लाहौर से पहले एक दो बार चाइना जा चुका हूँ, काशगर और टकला मकान डेजर्ट तक मैं जा चुका हूँ, जो कि तकरीबन यहाँ से लाहौर से कोई 2100 किलोमीटर बनता है और 2100 किलोमीटर वापस. तो ये आपने यूरोप में भी इसी तरह लोग पहचानते हैं जैसे जैसे हमारे पाकिस्तान में जो पहचानते हैं गुजरते हुए इधर उधर से, भाई अली भाई जा रहे हैं अली भाई, तो क्या यूरोप में भी कभी कोई मिला है ऐसे ही मोटरसाइकिल की राइड? यूरोप में बड़ा यूरोप में बहुत लोग मिले और बड़ा मजा आया. पोलैंड में लोग मिल गए ऐसे सड़क पे ना, उन्होंने हमें जबरदस्ती खाने के लाए, इंडियंस थे, खाना रेस्टोरेंट वाले थे, खाने के लाए उन्होंने. और जो सबसे सबसे जो इंटरेस्टिंग वाकया जो हुआ था वो ये था कि हम लंदन से निकले और पहला दिन हमने गुजारा एक जगह थी डेनमार्क में आर्नहेम, वो तकरीबन कोई 825 किलोमीटर की राइड थी. अगले दिन हम फिर हमने छिक्की बाइक हॉलैंड से हम डेनमार्क पहुंच गए. डेनमार्क में हमने रात गुजारी एबजी एक जगह थी, छोटा सा गांव था. और तीसरे दिन हमने सुबह डेनमार्क से शूट मारी और हमने एबजी से हमने क्रॉस किया. दोपहर का खाना हमने खाया कोपेनहेगन में और वी एंडेड अप एट नाइट इन ऑस्लो. इनसे मैंने अपने दोस्तों से कहा कि भाई बस बहुत हो गई है, 3 दिन में हमने 2000 किलोमीटर कर लिए, हाथ पैर मुड़ गए हैं, तो अभी हम जरा थोड़ा ना रोकते हैं इसको. इन्होंने कहा नहीं 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 सुबह ही जाएंगे और ये करेंगे और लंबा ट्रिप है और हमने नॉर्ड कैप तक जाना है. खैर हम सुबह निकले, जैसे ही हाईवे पे पहुंचे तो हमने कहा पेट्रोल डलवा लेते हैं, पेट्रोल पंप नजर आया, तीनों बाइकें रोकी, पेट्रोल डलवाए, हम दो निकल गए, एक साथ पीछे रह गए, वो आवाज उनकी सुनाई नहीं दे रही. तो मैंने उनको फोन किया, उन्होंने कहा जी बाइक रुक गई मेरी. मैंने कहा जी ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल है, व्हाट द हेल कुड गो रॉन्ग. तो वी टर्न अराउंड और वहां हाईवे पे हम टर्न अराउंड करके वापस पहुंचे तो पता चला कि मौसूफ ने मोटरसाइकिल में डीजल डाल लिया. ओह शिट. तो अब हम हाईवे में एक ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं कि अजीब सी हाईवे और तेज ट्रैफिक आ रही है और हम एक मोड़ पे खड़े हुए हैं, हर हर गाड़ी हमें ऑलमोस्ट टच करके जा रही है, हम एक आग पे खड़े हुए यूं करके एक जगह है, उसमें हमने मोटरसाइकिलें पार्क की हुई है तीन. और बस अब सोच रहे हैं कि क्या करें, तो बीएमडब्ल्यू असिस्टेंस वालों को फोन करना शुरू कर दिया कि आप आए हमें कोई पकड़े, यहां से देखें बाइक खराब है. उन्होंने कहा 2-2.5 घंटे लगेंगे, हम नोटिफाई करेंगे, आगे से गाड़ी जाएगी, वो आपको ट्रेस करके पहुंचेगी, इस तरह की बातें चल रही थी. इतनी देर में दूसरी तरफ से एक अदर साइड ऑफ द हाईवे हम यहाँ खड़े में, तो वहां एक बंदा वहां से एक बड़ा सा पिकअप लेके, बड़ा ट्रक लेके जा रहा था, नॉट यू नो मीडियम साइज ट्रक, तो वो लेके जा रहा था और वो मोड़ के वापस लाया और मुझे पीछे से आवाज आई, ओ पायन कितने खज्जल हो रहे हो. हेलमेट उतारी हुई और सोच रहे हैं कि अब इसको हम बाइक को कैसे, वो तो अगर वो खड़ी हो जाए तो वो तो मोटरसाइकिल जनाजा है, उसको तो उठा भी नहीं सकते, उसको धक्का भी नहीं मार सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो किसी ट्रक में ही जाएगी. बरहाल ये बंदा एक आ गया, देखो एक बड़ा सा ट्रक था, कहता है क्या हुआ, गाड़ी रोकी उतरा, ट्रक रोकी, कहता है मैं तो आपको पिछले 4 दिन से फॉलो कर रहा हूँ और मुझे लगा, मैंने हाईवे की दूसरी तरफ से देखा, मैंने कहा यार ये बंदा अली असमत लगता है. दिस इज लाइक द फ्रीकिएस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू मी. नॉर्वे और एक बंदा दूसरी साइड से देख के मोड़ के आ जाता है और कहता है कि यार मुझे पता था अली भाई आप ही होंगे. वो सूफी साहब थे, उनके साथ बड़ी अवैध साहब के साथ बड़ी दोस्ती हो गई. फिर उस अल्लाह के बंदे ने हमें अपने ट्रक के अंदर, उसके पास वो रैंप वाला ट्रक था, रैम पे बाइक चढ़ाई, उसने रैम से बाइक ऊपर गई, हमने ट्रक के अंदर डाल ली, उसके बाद हम लेके उसको बीएमडब्ल्यू पे चले गए. उन्होंने कहा ये तो नहीं ठीक हो सकती. उसने उस बंदे को कोई नॉर्विजन में बोला, बोला थोड़े बहुत पैसे लगाए गए यार, ये आज ही देख दे पेट्रोल गलत डल गया, बस इसको ड्रेन कर दे. उसने कहा अच्छा मैं आपको 3 बजे तक बताया. दिस गाय टुक अस अराउंड अपने ट्रक में, सर हम पीछे मोटरसाइकिलों पे दो बंदे जिनके पास थी, और एक ट्रक में, और वो हमें लेके कभी
किसी जगह खाने खिला रहे हैं, कभी किसी जगह लेके जा रहे हैं, तो इट टू केयर ऑफ अस लाइक, एंड में हमें होटल रूम भी उस बंदे ने दिलवाया, क्योंकि आप तो हम लेट हो चुके थे, कहीं जा नहीं सकते थे, वो दिन हमारा जाया हो गया था। तो दैट वॉज द फनेस्ट वाह एक्सपीरियंस इन अ कंट्री लाइक वाह, नॉर्वे। इन अ कंट्री लाइक नॉर्वे इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड है बेसिकली, इन इन लिटिल सेंस ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन नॉर्वे में पाकिस्तानी बहुत हैं और वो काफी इज्जत है उनकी वहां पे, वो अच्छे वाले पाकिस्तानी हैं जो कि काम शाम नाइस करते हैं सोसाइटी नाइस। में। लेकिन अली तुम्हारी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, लेकिन कैपिटलाइज तो तुम नहीं करते, एज अ फ्रेंड भी बता रहा हूँ। तुम्हारे ना मैं सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ, तुम काफी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, तुम अपनी मगन में मगन रहते हो, ओल्ड स्कूल हो। क्या तुम नहीं समझते कि आगे डिजिटल का दौर आ रहा है, सिर्फ डिजिटली होना चाहिए? भाई बहुत सारी ऐसी चीजें सोचते हैं, लेकिन हमारी सोच सोचने से क्या होता है, हम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर हम सकते? हमारे अंदर, हाँ मेरा मतलब कि जो हमारा काम है म्यूजिक बनाना, उसके अलावा हमने हर चीज सारी उम्र की है, अपने आप को प्रमोट मैगजीनों में, फोटोशूट, किसी ने कहा मॉडलिंग कर लो, मॉडलिंग कर ली, एक्टिंग कर लो, एक्टिंग कर ली, होस्ट कर लो, होस्ट करने का मौत देखो, मोटरसाइकिल चलाने होस्ट चला ली। मेरा मतलब कि अब वो चक्कर है कि जो हमारा जो जो प्रोडक्ट है वो तो म्यूजिक ही है सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे। तो हम मैंने बहुत सालों पहले ये रियलाइज किया कि जो मंजन, मेरा जो मंजन है वो मौसीकी है, मेरी सिंगिंग है, मेरी लाइव परफॉर्मेंस है। जो आएगा शो देखने के लिए वो एंजॉय करेगा कि भाई म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा अवाम मेरे से इतने मंजन बिकवा रही है कि मैं यू नीड टू मच एनर्जी फॉर दैट। तो ठीक है, फ्रॉम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपने पैसे बनाने, अगर आपको मेरी शक्ल से लगता है कि मुझे पैसे बनाने का शौक है, नहीं हमें अल्लाह ताला दे देखे देते हैं, हम कहते हैं अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र है हम इस काबिल नहीं है, और हमें जब मिलते हैं हम माफी मांगते हैं अल्लाह ताला से कि पर आपकी मेहरबानी है, हमें तो हमारे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं। तो ना, मैं तुम्हें बताऊं, चलो थोड़ा सा बात करते हैं। कराची में तो लाइक यू नो, जब हम नीचे कॉपर केटल होता था, खाना खाने जाते थे, तो वो पता चलता था अली साहब पार्टी छोटे कर रहे हैं ऊपर। हमें तो पार्टी का नाम भी नहीं पता होता था जब अली साहब करते थे। अली की लाइफ स्टाइल थे ना चेंज हो तुम तब, गया दस साल है। छोटे नहीं थे, मुंह नहीं लगाता था कोई, छोटे भी नहीं में। अंदर नहीं आने देते थे। वो कहते अंदर नहीं आने देते थे। अब हम आ गए तो हम सही साहब कह रहे करते हैं, बेटा, चलो चलो बाहर चलो। तो अली अली चेंज हो गया, अली अभी तक वैसा ही है? बाहर आपको क्या लगता है? मैं बिल्कुल वैसा ही है। तो सवाल क्यों पूछ रहे हो भाई, जिसका जवाब आपके पास है वो क्यों पूछ रहे सवाल? यानी कि यार बंदे को आप कहते हैं शर्मिंदा करके उससे उगलवाए, मेरा मतलब है कि हाँ बंदे नहीं, लाइक घर वालों के लिए तो आप चेंज से हो आप गए ना, क्या बोल सकते घर घर वालों के लिए, हैं लोगों के लगता है यार। लिए, देखो फैमिली के चेंज लिए। तो हर चेंज हर बंदा होता है, हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हम चेंज हो गए। अब आप खुद अपने आप को देख लें, हर 2-3 महीने बाद आप कहीं मुल्क से बाहर जाते हैं कि यार मैं चेंज हो रहा हूँ, मैं चेंज हूँ, मुझे क्या क्या नहीं चाहिए। नहीं तो हम नहीं अपने नहीं आप से लड़ाई, हम अपने आप से लड़ाई आप गलत करते हैं कि हो, हम आप चेंज होना गलत। चाहते भाई, मैं नहीं होना चाहता चेंज। हम ये मैं हमारा चेंज प्रॉब्लम देने ये है कि हम जाता कहते हैं कि चेंज नहीं होना, मैंने चेंज तो बंदा ऑलरेडी हो चुका है, उसको आप रोक ही नहीं सकते। चेंज हो चुका हमें है। अभी मैं किसी, वो आजकल बहुत सारे लोग तस्वीरें भेजते हैं पुराने जमाने की। मैं अभी इसी महीने अप्रैल, 1 महीना पहले, 1 महीना भी गुजर गया, 20 मई हो गए, 20 में हो गया पूरा एक आज महीना आज गुजर गया कि ट्वेंटी मैं 50 साल का हो गया हूँ। तो पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं 50 साल का होने लगा हूँ, 50 हो गए। तो फिर वो चलो क्या आपको हो तुम्हें गए, क्या फिर हो गए। लगता है कि तुम्हारी जो वो है, तुम्हारी आदतें हैं, उसकी वजह से तुम 50 साल के नहीं लगते, या तुम्हें लगता है दिखने में लौंडे लगते हो, बॉय मेरा लगते हो मतलब है तुम? कि मैं आंतों की बात नहीं है, बात है कि बंदे के अंदर वो 50 साल की एनर्जी भी होनी चाहिए ना। 25 साल की हरकतें करने के लिए 25 साल वाले बंदे की एनर्जी ना भी होनी करना है चाहिए। ऐसे, ना 50 साल का करना बंदा, वैसे आपका मैंने वो लिया है साइकिल, आजकल 15-18 किलोमीटर रोज में चला रहा हूँ, लेकिन आप तो भाई 100-100 किलोमीटर चलाते थे। चलाते थे ना, जब भी तो यहाँ बैठे हुए आज और आप चला रहे हैं चला रहा हूँ मैं अभी, अच्छी चल रही है आजकल, आजकल सर। एक्सरसाइज हो रही है। बल्कि अभी आप तो अभी मैं पचास फोन साल आपसे बात करूंगा तो मैं जाऊंगा एक राइड करने के लिए। सर आप तो 50 साल से चला रहे हैं, हमने तो अभी चलानी शुरू की हैं चीजें यार। भाई आप तो रक्षा चलाने वालों की बात कर रहे हैं, मैं साइकिल चलाने की बात कर रहा हूँ। हर बार मजाक नहीं होता अच्छा सुनाए सर, कुछ अच्छा सा सुनाए, मजेदार। ओए सर दोस्त, नहीं हो सकता।
क्यों नहीं होता, ऐसा नहीं करना यार, दिल टूट जाएगा हमारा। फोन यहाँ पे कहीं पड़ा था, मैं इसे चार्ज बहुत ज्यादा आउट ऑफ ट्यून है गिटार। ये मुझे ये गिटार मिला है 1 साल के बाद, मेरे स्टूडियो के किसी अलमारी में पड़ा हुआ था। ओके, फाइनली मैं इसको निकाल के आज मजा आ जाएगा। इसको आज मैं ट्यून करूं, थोड़ा सा ट्यून तो करो दोस्त इसको, ट्यूनिंग। कैसा जा, कैसा रहा ये पेंडेमिक, जा कैसा रहा, क्या कर रहे हो आजकल सारा दिन? प्लैनेटेमिक है ये है, मैं तो आपको पता है, बच्चों का टाइम गुजारता हूँ, घर पे रहता हूँ और बच्चों के साथ बहुत मैंने मजा किया है इस पूरे सिस्टम के अंदर। मैंने फैमिली के साथ टाइम गुजारा है। अभी मैं अभी अभी कहते हैं वो घर भी शिफ्ट किया है, तो माशाल्लाह मुबारक हो आपको नया घर, बड़ा उसमें जरा भी काफी टाइम गुजर लग गया है। गार्डनिंग कैसी जा रही है, गार्डनिंग कैसी जा रही है तुम्हारी नए घर में? गार्डन कितना माशाल्लाह तुम्हारा जबरदस्त है यार, लव द गार्डन यार। गार्डन की सारी गेम थी, गार्डन के लिए ही घर बनाया दोस्त। गार्डन के लिए ही घर बनाया था, मैंने कहा था यार दो पौधे बड़े हो रहे हैं, दबा के बड़े हो रहे पौधे, होंगे बहुत पौधे। मजे के बड़े हो गए। हाँ पौधे बहुत मजे के बड़े हो। बहुत मुश्किल है गिटार को ट्यून करना। आपने बड़े बड़े गिटार ट्यून कर लिए सर, कराची लाहौर पाकिस्तान बार तक के गिटार आप ट्यून कर चुके हैं भाई। वो तो ऑर्केस्ट्रा में जब जाना हो तो फिर करते ना पता। आप ऑर्केस्ट्रा में आशा भाई, आप चाहते कहेंगे मैं क्या बोल। नींद आती नहीं सारी सारी रात, ये बोले जो लोग बोल रहे हैं वो आप बोले, जो लोग बोल रहे हैं हाँ वही आप बोले कि नींद आती नहीं सारी सारी रात। चलो थोड़ा सा ट्यून हो ही गया, चले हो जाए। अच्छा फिर तो और क्या बोल रहे थे आप? मैं ही बोल रहा था कि नींद क्यों नहीं आती आपको सारी सारी रात। सर नींद आ जाती, मैं तो आजकल घोड़े बेच के सोता हूँ, कोई तकरीबन 12-12:30 बजे सो जाता हूँ, 3 बजे फिर दोबारा उठ जाता हूँ, रोजा शोजा रख के फिर सो जाता हूँ। फैसल आपने देखा नहीं मूर कितना? फैसल कुरैशी कह रहे, सुना दे यार फैसल कुरैशी कह रहा हूँ कि कह रहे बार बार मेरा दोस्त कह रहा है। अरे फैसल कुरैशी क्या कह रही है? कह रही है भाई सुना दे, सुना दे ना जरा। हाय 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 क्या सुनाऊं, नींद आती नहीं सारी सारी रात, सुना दो तो या तारा जगह। बस फिर एक ही गाना होगा वो, नहीं एक नहीं गाना होगा यार, गाना ऐसे नहीं होगा, ऐसे थोड़ी होता है यार। हम लाइव आए कौन तो सा गाना? हमारी बारी आई तो एक गाना। सारी बात है, आपको पता है कि मैं किसी को एक भी नहीं सुनाता। आसिफ भाई सिर्फ आपके कहने पे ही मैंने एक अतिथि दिवस सुनाया है, नहीं तो भाई जो है ना वो लेकिन आपने क्या गाना सुना है, क्या गाना आपने क्या गाना सुना है आपका, आपका जो गाना था सुनने वाले हमें बताते हैं आपने गाना कितना जबरदस्त सुना है, आप सुनाए इतने। वो कौन सा गाना कह रहे हैं सर? नींद नींद आती नहीं सारी सारी रात, कोई तुझसे कहे मेरे दिल की बात, एक तू जो नहीं आज मेरे साथ, मुझको पीरा लगे सारी कायनात तेरे और मेरे रास्ते हो कभी ना जुदा ना जुदा, क्या जाने कोई
जिंदगी तो हो रही है वीरा, तेरे बिन जान से बदन में जैसे तन्हा हो पंछी चमन में, नींद आती नहीं सारी सारी रात, कोई तुमसे कहे मेरे दिल की बात, एक तू जो नहीं आज मेरे साथ, मुझको वीरा लगे सारी कारें। थैंक यू। एक और यार, अभी एक और यार, एक और ऐसे नहीं जाते ऐसे प्यार से सारा चला सुना दो। अच्छा अपनी पसंद का कुछ सुना दो, जो कुछ कुछ नया। अब्बा मियां ने कहा था, अब्बा मियां ने, एनीथिंग यू कैन डू बेटर डोंट डू इट फॉर फ्री। आई नो इट्स नॉट फॉर फ्री, इट्स फॉर मी। देखो पैसे ही तुम्हारी मेरे लिए बहुत शक है, पपिया ना बोले कुछ भी जो दिल चाहे। Look who's here. हाँ जी, कौन सा गाना सर सुनाए? तारा जला सुना दे, बड़ा जबरदस्त है ये। कोई भी जो आपको लगे। आपके पीछे कोई तो है लम्हा ऐसा भी जो गाना भी है अपना भी, चाहते रहे ये लम्हा वहीं से तो आगे जाना है, जिसे सोचा है उसको पाना है, चाहते पल से आगे जाऊं, आगे जाके उसको पाऊं, जाऊं आगे जाऊं मैं, तारा जला जला कह के शाम की तारा तेरे वास्ते मैं, तारा तारा जला जला कह के शाम की तारा। वाह सर, नौकरी है आपके घर पे? जी जी है भाई, नौकरी है भाई, नौकरी भी करूंगा, सफाई भी करूंगा, गाने शाने भी सुनूंगा। आप बस आप तनख्वाह में मुझे गाने शाने सुना दिया करें, बस ये मेरे लिए ठीक है भाई। भाई जन अच्छी वाली नौकरी चाहिए बिल्कुल भाई, अच्छा मेरी कितनी काम तो हो गया बंद, तो मेरी तनख्वाह क्या होगी दोस्त। अच्छा यार, तुम जिन्होंने शुरू किया पाकिस्तान में, जिस तरह ये सब, ये तुम्हें पता है जावलक के दौर के बाद क्या होता था, ये बताओ कि अब क्या देख रहे हो? कोरोना के बाद कॉन्सर्ट नहीं होंगे, क्या लगेगा अब, कैसे होगा, तुम्हें क्या लगता है? भाई दुनिया चेंज हो गई है, बस दुनिया हमेशा के लिए चेंज हो गई है। एक तो वी स्टेप क्लोजर टू कैशलेस सोसाइटी सून, जो ये पेपर मनी है डिसअपीयर हो जाएगी। स्मॉल मीडियम बिजनेसेस, आपने जैसे देखा कि वाट लग गई, हमने स्कूल बंद कर दिया अपना गिटार स्कूल, और हेलो 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 बेगम साहिबा, हेलो हेलो
घर में स्कूल खोलो, हेलो की हेलो सेवा हेलो करें। हेलो, कैसी हो यार? तो किधर हो, किधर हो, कहाँ चले दुनिया गए? जो है वो अब भैया चेंज हो गई है। अब आप देख लें कि अब दूसरी बात है कि दिस वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स ऑटोमेशन, हेंस द 5G नेटवर्क। ये सारी इतना तेज इंटरनेट होगा कि अब आपके जो काम है रोबोट्स और मशीनें, ज्यादातर चीजें ऑटोमेटेड हो जाएंगी। तो लोअर क्लास भी एक बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। बिजनेसेस की वाट लगी गई है इस पूरे फूड इनसिक्योरिटी, जॉब इनसिक्योरिटी, इकोनॉमी जो है वो अपनी नीज पे आ जाएगी। तो बेसिकली वो वन स्टेप क्लोजर टू अ वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, न्यू वर्ल्ड मतलब ऑर्डर। नहीं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर थे, आपकी इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या होगा, कॉन्सर्ट हमारी जाओगे दो इंडस्ट्री की तो साल वाट लग गई है। वो अब यही कह रहे हैं ना कि बेसिकली अब आपको कॉन्सर्ट्स की या गैदरिंग्स की, आपको मस्जिदें नहीं अगर खोलने दे रहे, अगर आपकी मस्जिदें बंद हो गई पूरी दुनिया में। दिस वाज एक्चुअली वन ऑफ द एस्पेक्ट जो कि देयर वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स कि ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इज अ रॉन्ग वर्ड, कि जो रिलीजियस लोगों को इनका जोर तोड़ा जाए, लोगों को थोड़ा सा और बगैर रिलीजन की एक दुनिया में लाया जाए, इनके बिलीव्स और ये वो। खैर इसके अंदर बहुत सारे बहुत बहुत लंबी डिबेट है, लेकिन देखते हैं, आपको बहुत नहीं बहुत लगता कि एस्पेक्ट्स हैं। आपको नहीं लगता आगे कि जाएंगे तो पता इंडस्ट्री चलेगा क्या होगा। इंडस्ट्री ट्रैवल तो अब इंडस्ट्री आप नहीं कर सकते, ट्रैवल अब नहीं आपको कर ट्रैवल सकते? करने के लिए वो नैनोमाइट टीके, नैनो नैनो इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे जिसमें चिप भी होगी और सारा कुछ होगा, चावल के दाने के ऊपर आपकी सारी फाइनेंशियल रिकॉर्ड उसके ऊपर होगा, आपका मेडिकल रिकॉर्ड उसके होगा, आपके वेयर अबाउट्स एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, दे कैन कनेक्ट विद यू, दे कैन मैच विद योर ब्लड स्ट्रीम। आई डोंट नो व्हाट द हेल दे डूइंग, बट इट्स नॉट गोना बी द सेम वर्ल्ड दैट वी लिव्ड इन। यार हमारे बच्चों के लिए एक बहुत डिफरेंट टाइप मुश्किल की है, दुनिया आ गई है। अल्लाह कॉम्प्लेक्स हो खैर गया। करे। अल्लाह खैर करे। आपने यार मुल्क के बाहर भी काम किया, क्रॉस द बॉर्डर काम किया, सबसे पहले काम किया, क्या फील है यार? क्या ये कैसा था, कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि जितने मैंने इंडिया में जब आपको काम करने देखा, किसी को भी नहीं देखा था। और मूवी एक्सपीरियंस और सॉन्ग, क्या एक्सपीरियंस था ओवरऑल? यार एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बड़े अच्छे लोग हैं इंडियंस दोस्त। मैंने तो खैर 10-15 20 साल जाता रहा हूँ इंडिया, बहुत अच्छे दोस्त बनाए मैंने, और लोग तो हमारी तरह के ही हैं। बस यही बात है पॉलिटिक्स, यहाँ पे आपको कभी वो तालिबान टाइप के आ जाते हैं, वहां पे ये मोदी टाइप के आ गए। तो मैं दोनों मुल्कों की किस्मत एक ही है, गरीब गरीब गरीबतर होता जा रहा है, अमीर अमीरतर होता जा रहा है, और मिडिल क्लास जो है वो बस प्रटेंड करने में लगी हुई है। उसके बाद लोग तो वैसे ही हैं, खाना भी वही है, हर चीज यही है। सिर्फ हमारी जो नजरिए फर्क है, रिलीजन फर्क है। बाकी जहां तक ये टू नेशन थेरी, ये थेरीज वेरीज कुछ भी नहीं देती है। एट द एंड ऑफ द डे इंसान भूखा ही है, ठीक है। गरीब का बच्चा जो है वो रेडी के ऊपर ही अस्पताल जाता है अभी तक, अस्पताल या में उनके सैड भी रियल। गांव में पानी नहीं है, और उनके भी दूर दराज इलाकों में जो है वो वडेरे उन पे जुल्म कर रहे हैं, उनके सच उनके भी शहरों में ब्राह्मण जो है वो शूदर और अछूत और दलित और इन सबके माँ बहने करें। हम सोचें जो 45 करोड़ अवाम में 45 करोड़ अवाम जो इंडिया की है वो दलित और निचले तबके वाली हैं, उनकी तो कोई फ्यूचर नहीं है, उनके लिए तो सोशल जस्टिस भी कोई नहीं है, ना नौकरियों के मौके हैं, ना सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करती है। पाकिस्तान में ये फर्क है कि पाकिस्तान में हर बंदा भाई है, कोई अछूत और वो नहीं है, सैयद ज्यादा है तो इसकी ज्यादा जात है, तो ये कम है तो या वो ज्यादा है, पैसे के ऊपर बेस्ड तो सारी सोसाइटियां हैं। क्यों कहते हो इसके पास पैसा नहीं है तो ये हमारी क्लास का बंदा नहीं है, इसके पास पैसा है तो ये चाहे चवल ही हो लेकिन चलो इसके पास पैसा तो है ना, हमारी क्लास में आ जाए लेकिन आप और तो मैं तो पैसा समझते डिपेंड थे। करता है। वो उधर पैसा हो भी तो फिर भी आपको वो दलित और ये इन चक्करों में हम रखते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में पाकिस्तान, भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया में भी उसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, वही लोग हैं जो हमारे साथ खिलवाड़ खेल रहे हैं, उनके साथ भी खिलवाड़ वही खेल रहे हैं। कर्जा हमने भी देना है, कर्जा उन्होंने भी देना है, अब उनकी जैसे हमारे भूखे नंगे हैं वैसे उनकी भूखे नंगे हैं यार भाई लेकिन भाई, ऐसे आप ही। और मैं तो आप और मैं 2-3 साल पहले ही समझ रहे थे कि इमरान खान साहब आएंगे तो सब सही हो जाएगा, गरीब का सीन हो जाएगा, कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन यार कुछ भी बेहतर नहीं हुआ, मुझे ऐसा यार लगता है वो कुछ भी। कुछ कर नहीं सकता इमरान खान,
खान साहब हमारे बड़े अच्छे अजीज दोस्त, हमने मैंने इनको आज से कोई तकरीबन 8-10 साल पहले इमरान खान को बजाते खुद ये बात कही थी और वो मेरी बात थोड़ी सी माइंड भी कर गए थे। मैंने कहा खान साहब ये आप कुछ भी नहीं कर सकते, वजीर आजम कहते मैं बन के सब ठीक कर दूंगा, कहीं बैठे हुए थे बात हो रही थी तो मैं वजीर आजम बन गया, उसकी इंटेंशन अच्छी, मुझे इस बात की खुशी है चलो कोई तो बनता है, इसकी इंटेंशन अच्छी थी और अच्छी होंगी, अभी भी अच्छी हैं। मैं तो जब से प्राइम मिनिस्टर बने नहीं मिला, तो कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि इंटेंशन तो उसकी अच्छी थी पहले दिन से हमें पता था, लेकिन वो इस सिस्टम में कुछ कर नहीं सकता था। हाँ, इनसे पहले आने वाली जो दो हुकूमतें थी उन्होंने इतना ज्यादा कर्जा चढ़ा दिया कि अब वो कर्जा उतारते उतारते हमारी हमारे बच्चों के भी बच्चों के भी बच्चों के भी बच्चे भी ये कर्जा नहीं उतार सके, यानी कि अगली आने वाली 6 से 7 जनरेशन ये जो $100 बिलियन का कर्जा है ये दे नहीं सकते। तो अमेरिका देखते हैं, अमेरिका इंग्लैंड नहीं कभी उतार सका, रूस जर्मनी कभी नहीं उतार सका, चाइना नहीं कभी उतार सका, डेट तो दे ही नहीं सकता ना कोई, इसकी साइकिल ही ऐसा है। इसी के लिए इसी वजह से जीसस क्राइस्ट भी इसके खिलाफ थे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसके खिलाफ थे कि इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम तो जो है ना वो गरीब को दबा के ही रखेगा और ये जब तक ये चलता रहेगा ये यूजरी दिस होल कैपिटलिज्म व्हाटएवर, तो ये तो बस दुनिया ऐसे ही रहेगी दोस्त बस। अब बल्कि और बुरी होने जानी क्योंकि उनके पास और पैसा इकट्ठा हो गया है, छोटे बिजनेसेस उन्होंने बंद कर दिए, हर चीज खरीद लिए इस लॉकडाउन में, जिसके पास कैश था वो ऐसा काफी है, हाउसिंग मार्केट तो ये मार्केट वो मार्केट, ऑयल गैस गोल्ड एग्रीकल्चर यू नेम इट, they own everything, so there's no point fighting the system. मैं तो ये समझता हूँ कि there's no point fighting the system. System is too strong, it'll crush you. तो hence we are in the system. Instagram उनके बनाए हुए से हमें बातें कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा दूर होके बैठ। यार I miss you यार, मैं इतने दिनों से सोच रहा हूँ तो कब आएगा, और मैं 2-3 तरीके भी बता चुका हूँ मैं आने के, जो बेगम को ना बताना था। बकवास ना कर, तू ही आ जा यार, तुझे के पैरों में बिंदी लगी है, इतनी बड़ी बड़ी तूने गाड़ी रखी है, को हाईवे पे पूछना लोग छिकते हुए आ रहे हैं हाईवे पे। मैं प्लान कर रहा हूँ ईद के फौरन बाद, मैं प्लान भी कर रहा हूँ डेफिनेटली, मेरे एक और दोस्त भी है वो भी कह रहे हैं, और तुम तो काफी सारे मेरे दोस्तों को जानते हो वो भी काफी ख्वाहिशमंद है, लेकिन मैं खुद जरा घबराया हूँ। तो आज फिर उनके साथ बना लो प्लान, मुझे भी खबर मिल गई, मुझे भी कह रहे चलो ले चलते हैं बच्चों को पहाड़ों पे जरा ले जाके अच्छा यार एक और बात बड़ी जरूरी, ये कैसे हुआ, री यूनाइटेड कैसे हुआ, या री यूनियन कैसे आपने की, कैसे अली अजमत के बस यार पैसे की बहुत सारी जरूरत थी यार, ये तुम्हारी सच्चाई नहीं, पैसों की जरूरत तुम्हारी पता है, पैसों के बारे में आपका भाई कभी भी फिक्र नहीं करता, बस ऐसे ही मैंने कहा यार पता नहीं अब कितनी जिंदगी रह गई है, चलो ये भी करके देख लेते हैं। वो बहुत ज्यादा है कर रहे थे कि करें, मुझे समझ नहीं आ रही थी, फिर मैंने कहा चलो यार करते हैं देखते हैं क्या होता है, मजा आएगा, तो अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस था, लोगों ने बड़ा रुलाया, एक एक शो पे गया वहां पे हसीन औरतें जो थी वो मेरे गाने सुन रही थी और मुझे देख के रो रही थी, तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या ये डिप्रेस है मुझे देख के, इतना मोटा पटोटा हो गया कि ये इमोशनल होके रो रही है, और उनको रोता हुआ देख के मैं भी रोया, मुझे छोड़ गए थे, मुझे छोड़ गए थे, उसको कहते हैं जज्बात की रो में बह गया इसीलिए मैं हर रोज ना ग्लासेस पहनता हूँ, मैं एक बहुत इमोशनल आदमी हूँ, तो मुझे जानते ही हो, मैं एक बहुत इमोशनल आदमी डार्क ग्लासेस पहनता हूँ ताकि मेरी आंखों में छुपा, किसी भी वक्त इमोशनल हो जाते हो किसी भी वक्त मेरा दर्द लोग बहुत सारे ये कह रहे हैं, कोई कह रहा है वेम्बली वाला शो, कोई कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, कोई कह रहा है टोरंटो में जब आप आए थे, हमने बहुत हजारों कमेंट्स आ रहे हैं, और लोग तुम्हारी माशाल्लाह इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, हमें तो समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखें, और कह रहे हैं भाई सुपर स्टार है आप, तो उनके बारे में क्या कहोगे भाई, क्या एक्सपीरियंसेस रहे, वो कह रहे कोई कह रहा है दोहा वाले शो में हमने बड़ा मजा किया, मुझे तो खुद पता नहीं, बहुत मजा है, तो अब ये क्या आपने पब्लिक दिखाने के लिए ड्रामा किया है या दोबारा रहेंगे अभी आप साथ लोग? यार देखो अभी तो मुझे लगता है कि अभी जुनून के एल्बम्स बनाने के भी इरादे हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट मेरी और सलमान की इस बात पे चल रही कि मैं कहता हूँ भाई जो म्यूजिक बनाने वो इकट्ठे बैठ के बनाए, जैसे बैंड्स बनाते हैं
वो कहते हैं मैं आपको रिकॉर्ड करता हूँ इंटरनेट पे, आप व्हाट्सएप पे गा के ना फोन पे भेज दे, मैं वहां एडिट कर लूंगा। मैंने कहा ये नहीं हो सकता दोस्त, तो इस टाइप की कुछ मैं नहीं कर सकता। मैं तो एक वो कहता ना पुराना इंजन स्टार्ट करना पड़ता है, 15 मिनट को खड़ा रखो, एक इंजन गर्म होता है, फिर एसी चलाओ, फिर थोड़ा एसी चलाओ उसको, फिर थोड़ी गाड़ी ठंडी, थोड़ी और वो, फिर वो गाड़ी चलती है, फिर वो डीजल गाड़ी है, गर्म होते होते फिर वो चल पड़ती है, फिर उसको अगर ब्रेक मार दो तो फिर उसको चलाने में देर लगती है। तो बात ये कि वो बस एक कॉन्सर्ट थे और दुबई में था, अभी यूएस में, कनाडा में अगस्त में फिर 3 शोज थे, तो हो रहे थे शोज, लेकिन अब तो खैर बंद ही हो गया सारा कुछ। तो देखें अल्लाह खैर करेगा, जो सबके साथ है वो हमारे साथ भी होगा। तो ओवरऑल जल्दी कोई एल्बम देखेंगे या नहीं देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है अब तो डिजिटल वर्ल्ड आ जाएगा, एल्बम डाले, लेकिन फिर मेरे भाई सलमान को कोरोना हो गया। जी जी, वो बेहतर हो गया अब तो, मेरा ख्याल है आई थिंक इट्स फाइन जी, अब तो बेहतर, अब बेहतर होगा। तो अब ये बताएं कि ये एल्बम हम जल्दी देखेंगे? यार सलमान अहमद ने अच्छे गाने बनाए हैं, लेकिन बात वही है कि कनेक्शन नहीं बन रहा। कुछ गाने मैंने भी लिखे हुए हैं, अब हम के ऊपर बस जब तक एक दूसरे के सामने रूबरू नहीं बैठेंगे, वो कहेगा मैं कहूंगा यार ये, वो कहेगा नहीं, वो कहेगा ये, मैं कहूंगा नहीं ऐसे नहीं ऐसे, नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ये इस पूरी एफर्ट से म्यूजिक बनता है। अगर म्यूजिक, म्यूजिक इज अ कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म, फिल्म मेकिंग एक कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म है, पेंटिंग बनाना किसी कैनवस के ऊपर एक कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म नहीं है, वो आप अकेले बैठ के भी अपनी तन्हाई अपने गम के अंदर बना सकते हैं। म्यूजिक भी अपना गाना आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन आप जब एक अपना गाना किसी बैंड के पास, अपने म्यूजिशियंस के पास लेके जाते हैं और वो आगे से उस ट्यून को सुन के, उस आइडिया को सुन के रिएक्ट करते हैं और अपना कुछ एक्सप्रेशन देते हैं, तो वो म्यूजिक होता है। वो कुछ उसकी पर्सनैलिटी, कुछ मेरी, कुछ उसकी, इस तरह का 4-5 चीजें मिलती है, एक प्रोडक्ट बनती है, निकलती है। फिर अगर वो ना हो तो मेरा तो कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं, घर पे बैठ के अकेला, फिर अकेला क्यों ना म्यूजिक बना लो। तो बराए नाम नहीं बनाना दोस्त, बनाना है तो बैंड के नाम का म्यूजिक अगर बनाना है तो बैंड होना चाहिए, एक दूसरे के साथ बैठे, टाइम दें। ये वो चीज तो नहीं है ना कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है बस हमने ऐसे ही करना है, तो ये तो लेकिन उसको भी अली अजमत से वर्चुअल काम नहीं हो सकता, उसको फील करना, उसको महसूस करना, उसको एक्सपीरियंस महसूस करना बड़ी जरूरी चीज है। हाँ, कोई एक दूसरे को चुप्पी लगानी है, को बक बक करनी है, कोई एक दूसरे से तंग आना है, अच्छा मैं जा रहा हूँ, ये सब चीजें जो है ये एड करती है इमोशन में। तो इस तरह की चीजें हैं, बस आर्टिस्ट बन जाना और मूडी हो जाना, वो एक इसका मेरे ख्याल से थोड़ा सा पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। ये सारी चीजें होनी भी चाहिए, क्योंकि दिस इज व्हाट मेक्स आर्टिस्ट है वो एजी। तुम हो तो मूडी, ये बात मेरे मतलब तुम्हें लगता है कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करते हो तुम बात, तुम यू नो, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट खुल के कहूं तो काफी पंगे भी लेते हो तुम। ठीक है, अगर पंगे ना लें, इफ यू डोंट स्टैंड फॉर एनीथिंग देन यू फॉल फॉर एवरीथिंग। या एग्री, कंप्लीटली एग्री। तो इस तरह की चीजें हैं भाई, अगर आपको कोई ना कोई स्टैंड कहीं ना किसी के लेना पड़ता है, किसी ना किसी को ना पसंद है तो ठीक है यार। हाँ भाई, सर खुदाफिज ना कहें और शुक्रिया ना अदा करें तो इतना एंटरटेनमेंट में बनता नहीं है। तो हमने कहा दोबारा आके, ओह लोग कह रहे हैं ही इज़ हियर अगेन। मेरा पता है 11 बजे एक सेशन था पहले, तो मैं उनके साथ माजरत करता हूँ, FHM मैगजीन के साथ था, लेकिन आपके साथ तो आपको पता है टाइम का पता ही नहीं चलता भाई। कोई माल कमा रहे हैं इंस्टाग्राम से कि ऐसे ही बस करी जा रहे हैं सर? बस अब माल कमाने की बारी आएगी तो कमाएंगे इंस्टाग्राम। तो भाई जब तक पान नहीं बनता है, चलो लोगों के सामने जो दिखता है वही बिकता है, क्या ये तो नहीं हो रहा? वही कर रहे हैं, हफ्ते 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 मैं वर्चुअल आके सफाई किया करूंगा आपके घर की। सफाई जो दिखता है वो बिकता है दोस्त, आई वी जो भाई तो ईद का कुर्ता भेज रहा हूँ मैं तुम्हें, बेगम को सूट भेज दो भाई, भेज दो कुर्ता। आप तो कुर्ते में कुछ करते हैं, आप तो भाई आप कुर्ते में ही पाएंगे भाई को कुर्ते में कुर्ते में। थैंक यू सो मच, इतना मजा आया, इतना मजा आया तुम्हारी सोच, और तुम्हारे इतने फैंस हैं यार, इनको कुछ कहो कि क्या ये तुम्हें बाकायदा कोई कह रहा है कि दोहा के शो में तुमने पता नहीं उनको कहा था कि तुम फैंस की वजह से हो और पता नहीं क्या क्या, और कह रहे हैं कि एक सेशन और कर लें,
क्या 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 बातें भाई, बात तो सच है कि अगर फैंस ही ना होते तो फिर मेरा क्या, मुझे तो किसी ने मुंह नहीं लगाना था, तो फिर मैंने क्या करना था। तो जाहिर बात है फैंस की वजह से हैं ये लोग हैं, अब तक जो टिकटें खरीद के आ जाते हैं, तो इसीलिए हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इंग्लैंड, तो यूरोप और दुबई और इधर उधर जाने के मौके मिलते हैं, और वहां जाते ही हमारे प्यारे दोस्त हमें मिल जाते हैं, हमें प्यार देते हैं, हम वैसे ही बॉन्ड कर जाते हैं। ओ माय गुडनेस, सो इट्स ब्यूटीफुल यार, इट इज बिकॉज ऑफ देम ऑफ कोर्स। अली अली में मैं अपने कई दोस्त मेरे ऐसे हैं जिनमें स्टारडम नहीं चढ़ा, अली उनमें सबसे ऊपर है। अली ये बताए कैसे नहीं चढ़ा आप स्टारडम? मैं अली अजमत होता भाई, अपन भाई 1 मिनट पहले मेरी सुन ले, मैं अली अजमत होता तो मैं इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहा होता। अच्छा चले भाई, आप आपने आगे आगे कम किए नहीं क्या आगे क्या ऐसी आपने चीज है कम किए जो आगे जाके आपने, अगर आप अली है तो बनते तो पता नहीं आप क्या करते नहीं लेकिन क्या ऐसी वजह भाई, क्या है, क्या ऐसी चीज है यार, बताओ राज बताओ यार। बस भाई बचपन से क्यूट था, मैं उसी पे चलता है। सारी गेम हुसन की आसेम समझ नहीं पाओगी राहुल, चमकी चेक करो भाई की। राहुल तुम समझ नहीं पाओगे। मिलते हैं रॉबी की पार्टी में। आ जाओ फिर रॉबिन, आ जाओ आ जाओ रॉबिन नील करते हैं, आ जाओ फिर पहाड़ों पे चलो चलते हैं, चलो डन निकलो डन, अपने लव, चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू शहर। ओके सो मच। एक एक सेशन थोड़ी देर ब्रो, में बाय। करते हैं, बाय बाय बाय।